नमस्कार, न्यूज 24 मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पूरे छत्तीसगढ़ की खबर आप तक पहुंचाएंगे और शुरुआत सबसे पहले राजधानी रायपुर की खबर से करते हैं, जहां बता दें कि विधानसभा के विशेष सत्र का आज अहम दिन माना जा रहा है। विधानसभा के पटल पर पेश किया जाएगा आरक्षण विधेयक, एससी 32 तो एसटी 13, ओबीसी 27, ईडब्ल्यूएस 4% आरक्षण का कानून इसमें पारित होगा। वहीं अनुपूरक बजट भी यहां पर पेश किया जाएगा। आरक्षण विधेयक पर विपक्ष संशोधन प्रस्ताव लाने को तैयार है। सदन में गहमा गहमी का माहौल होने की भी संभावना यहां पर जताई जा रही है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विधानसभा के विशेष सत्र का आज अहम दिन माना जा रहा है। विधानसभा के पटल पर पेश किया जाएगा आरक्षण विधेयक, तो एससी 32, एसटी 13, ओबीसी 27 और ईडब्ल्यूएस 4% आरक्षण का कानून इसमें पारित होगा। अनुपूरक बजट भी यहां पर पेश किया जाएगा और आरक्षण विधेयक पर विपक्ष संशोधन प्रस्ताव लाने की भी तैयारी में नजर आ रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सत्या राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्या का रुख कर लेते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सत्या, आज का दिन जो है वो काफी अहम माना जा रहा है। विधानसभा के विशेष सत्र का आज का दिन जो है वो बेहद अहम। विधानसभा के पटल में आज आरक्षण विधेयक पेश किया जाएगा, इसको लेकर और क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही है, क्योंकि विपक्ष भी दूसरी तरफ से देखा जाए तो वो भी इसके विरोध में पूरी कोशिश करेगा। बिल्कुल, आज जो है विधानसभा के विशेष सत्र का आज जो है दूसरा दिन है और आज जो पटल में है आरक्षण का जो है संशोधन विधेयक 2022 को जो है पेश किया जाएगा। और जिस तरह से आरक्षण का मुद्दा है तो इसमें कोई भी पार्टी जो है इसको लेकर, इसको पारित करने को लेकर सीधा विरोध तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आरक्षण का मसला है और जातिगत राजनीति जो है छत्तीसगढ़ में हावी है। तो ऐसे स्थिति में अगर हम बात करें तो सरकार की जो मसौदा तैयार हुआ है, जो विधेयक है, उसमें 76% आरक्षण को लेकर जो आज जो है विधेयक जो है पेश किया जाएगा, जिसमें जो है अनुसूचित जाति को 32% है और अनुसूचित जनजाति को जो है 13%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 और गरीब वर्ग के लिए जो ईडब्ल्यूएस का है वो 4% जो है आरक्षण देने की तैयारी है। इसी को लेकर जो है आज जो है पटल में जो है जो विधेयक पेश किया जाएगा। तो वहीं अगर विपक्ष ने अपना जो है विरोध का जो है तरीका बदल दिया है, इसमें सीधे तौर पर वो लोग विधेयक संशोधन विधेयक का जो है विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसमें जो है संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। आरक्षण की जो है संख्या बढ़ाने की उन्होंने मांग करने के लिए, सरकार को घेरने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अनुसूचित जाति जो 13% है उसको 17% देने की जो है विपक्ष की तैयारी है, और वहीं जो ईडब्ल्यूएस जो है 4% है उसको 10% जो है बढ़ाने की मांग को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष है। अगर हम आरक्षण को लेकर बात करें तो आरक्षण एक जो है बहुत बड़ा भूमिका रोल करता है जातिगत जो है आरक्षण देने में। जैसे कि हम बात करें तो ये नौकरी से लेकर जो है सीट एवं पद के लिए और रोस्टर सिस्टम में जो है बहुत कारगर साबित होता है। जिस तरह से आवंटन हुआ है उस तरह से जो है रोस्टर में जो है नौकरी में हो या पद में हो, दोनों में इसका जो है महत्व होता है और उसी हिसाब से जो है आवंटित होता है। ठीक है सत्या, बने रहिए, आगे भी लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पल पल पहुंचा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है रायपुर से, जहां बता दें कि सीएम बघेल तेंदुपत्ता संग्राहकों को आज भुगतान करेंगे सामाजिक सुरक्षा योजना की राशि का भुगतान करेंगे। बता दें कि बिलासपुर अंबिकापुर में सी मार्ट का यहाँ पर शुभारंभ किया जाएगा। तो वहीं छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत हितग्राहियों छात्र छात्राओं को राशि का भी वितरण करेंगे सीएम। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सत्या हमारे साथ बने हुए हैं। सत्या का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सत्या, सीएम बघेल तेंदुपत्ता संग्राहकों को आज भुगतान करेंगे, कहा जा रहा है कई अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के आज यहां पर राशि वितरण करेंगे और भुगतान करेंगे, क्या जानकारी? और जी देखिए, सीएम भूपेश बघेल जो है आज विधानसभा में शामिल होंगे और इसी बीच में जो है ऑनलाइन जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है तेंदुपत्ता संग्राहकों को जो है वो भुगतान करेंगे, सामाजिक सुरक्षा योजना की राशि को भी जो है वितरण करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है अंबिकापुर में सी मार्ट का जो है शुभारंभ करेंगे और
छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्र छात्राओं को राशि देंगे। आपको बता दें कि इसमें जो है छात्रवृत्ति जो है विद्यार्थी को नहीं मिलने के कारण राज्य स्तरीय जो आदिवासी छात्र हैं उन्होंने जमकर घेराव किया था और उनका आरोप था कि पिछले 2 सालों से छात्रवृत्ति नहीं मिला है और उसी के मद्देनजर ये जो तैयारी की गई है। चूंकि पूरा छात्रवृत्ति का लेट होने का कारण एक कोरोना रहा है, दूसरी ओर अगर हम बात करें तो पूरे छात्रवृत्ति की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया और सीधा छात्रों के जो है अकाउंट में जो है सीधा उनके जो है राशि है आवंटित राशि है वो डाला जाएगा, तो इस तरह की व्यवस्था की गई है। तो छात्रों में जो है उनको नहीं मिलने के कारण एक ये मुख्य तौर पर रहा है उनके खाता अकाउंट नंबर नहीं होना और उनको सही समय पर दर्ज नहीं हुआ, इस तरह की जो है टेक्निकल समस्या आ रही थी जिसके वजह से भुगतान भी नहीं हो पा रहा था। वहीं अगर हम सी मार्ट के लेकर बात करें तो अलग अलग जिलों में लगातार जो है सी मार्ट जो है सरकारी तौर पे वहाँ शुभारंभ किया जा रहा है और वहाँ छत्तीसगढ़ के विभिन्न जो है व्यंजन के जो सामान है और जो सामग्री है कला संस्कृति के जो हमारे परिधान है तमाम जो सी मार्ट में उपलब्ध होंगे। तो वहीं अगर हम तेंदुपत्ता की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का मूल आय का स्रोत तेंदुपत्ता है और पूरे देश में जो है छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक जो है मूल्य लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इस बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी रायपुर से सामने आ रही है, जो आपको बता दें कि डीजीपी को मानवाधिकार का नोटिस यहाँ पर जारी किया गया है। डीजीपी अशोक जुनेजा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। बिलासपुर में बच्चे के आत्महत्या मामले में जवाब मांगा गया है। तो चलती ट्रेन के सामने कूदकर बच्चे ने आत्महत्या की थी, पिता को बेरहमी से पीटता भी देखा गया ये बच्चा। और आपको बता दें इस बच्चे ने आत्महत्या कर ली है, जिसको लेकर के डीजीपी को मानवाधिकार की तरफ से नोटिस दिया गया है। डीजीपी अशोक जुनेजा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नोटिस थमाया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सत्या हमारे साथ बने हुए हैं। सत्या का एक बार फिर से रुख करते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सत्या देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है, जो है डीजीपी को मानवाधिकार की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है, जवाब तलब किया गया है, क्या और जानकारियां? देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार जो है अगर इसमें संज्ञान लिया है तो बहुत ही जो है ये बेहद महत्वपूर्ण जो मामला है और ये पूरी मामला जो है बिलासपुर के है, यानी कि न्यायधानी बिलासपुर से है, जहां पुलिस पर आरोप है कि व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके साथ उनके बेटे के सामने उससे मारपीट किया गया और उसका बेटा जो है ये सब कुछ थाने में नहीं देख पाया और जाके वो चलती ट्रेन पे छलांग लगा देता है। क्योंकि ये पूरा मामला जो है पुलिस के प्रताड़ना को लेकर है और उसे स्पष्ट तौर पे नोटिस में कहा गया है कि ये पुलिस जो है जबरदस्ती प्रताड़ित किया गया है, इस पर कानूनी तरीके से कार्रवाई होना चाहिए था, ना कि जो तरीका अपनाया गया उसको गलत भी बताया गया है। और इसी मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के जो है डीजीपी जुनेजा को जो है इसको लेकर नोटिस जारी किया गया है और इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि पुलिस के द्वारा इसमें प्रताड़ित किया गया है, इसको लेकर कोई इसको शिकायत नहीं की गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार ने खबरों के माध्यम से इसमें संज्ञान लिया है, फिर नोटिस जारी किया गया है। ठीक है सत्या, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर का रुख करते हैं। बता दें कि भानुप्रतापपुर में सीएम बघेल की जनसभा आज होने वाली है। दुर्ग कोंदल के चमकसा में की जनसभा, बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी के पक्ष में सभा किया गया। बीजेपी पर सीएम बघेल ने निशाना साधा है, बता दें बीजेपी दुष्कर्म के आरोपी को प्रत्याशी बनाया गया है। सीएम बघेल की तरफ से यह बयान दिया गया, बीजेपी के कार्यकाल में महिलाएं असुरक्षित थी, कांग्रेस सरकार ने हमेशा नारी शक्ति का सम्मान किया है। '19 में रघुवर दास की सरकार थी जी। और उसी समय FIR दर्ज हुआ है जी। और पीड़िता के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, नाबालिग बच्चे के साथ दुराचार हुआ है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ा होना चाहिए, तो बलात्कारी के साथ खड़ा हो रहा है। प्रत्याशी लगातार रोड शो कर रहा है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है? फिर उसको तो बुलाया गया, नोटिस दिया गया जी। नोटिस दिया गया तो उसको आग सरेंडर करना चाहिए उसको। खबर भानुप्रतापपुर से है, जहां चरामा में सीएम भूपेश बघेल ने रोड शो किया। बस स्टैंड के पास से कृषि मंडी तक सीएम ने रोड शो किया। सीएम भूपेश बघेल ने News24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत भी की। सीएम बघेल ने भारी मतों से जीत का यहां पर दावा भी किया है, तो क्षेत्र में राज्य सरकार की योजनाओं का असर देखने को मिलेगा। बघेल की तरफ से बयान दिया गया, उन्होंने कहा कि दिवंगत मनोज मंडावी का सपना पूरा होगा, सर्व आदिवासी समाज का क्षेत्र में कोई असर नहीं।
खबर भानु प्रतापपुर से है, जहां चरामा में सीएम भूपेश बघेल ने रोड शो किया। बस स्टैंड के पास से कृषि मंडी तक उन्होंने रोड शो किया और सीएम बघेल ने न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत करते हुए ये भी कहा है कि भारी मतों से वो जीत कर आएंगे। क्षेत्र में राज्य सरकार की योजनाओं का असर देखने को मिल रहा है और दिवंगत मनोज मंडावी का सपना भी अब पूरा होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है रोड शो कर रहे हैं, इस वक्त न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ है। भूपेश बघेल जी, पिछले दो दिनों से जो आप चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, उसमें क्या देख रहे हैं? ये है कि पहली बात है कि मनोज मंडावी की श्रद्धांजलि लोग देना चाहते हैं। चार साल उन्होंने काम किया, उसके अधूरे सपने पूरा करने की सावित्री मंडावी मैदान में है। दूसरी बात है कि हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ लोग ले रहे हैं और उस पर मुहर लगाना चाहते हैं। आज से विधानसभा की स्पेशल सत्र की शुरुआत भी होगी और जिस मसले को लेकर के आए हैं उसका इंतजार कर रहे हैं जो क्षेत्र की जनता है। बिल्कुल, पूरे प्रदेश में इसका इंतजार है कि हमने आदिवासियों को जहां 32% है, अनुसूचित जाति को 13% और पिछड़े वर्ग को 27% और EWS को 4%, ये बिल हम लोग ला रहे हैं। ये ऐतिहासिक बिल है। आपने कल अपने भाषण में और जगह जगह भी कह रहे हैं कि समाज को बांटने का काम ना हो, लेकिन गोंडवाना समाज की तरफ से फिर एक बार अपील की गई है कि बहिष्कार करे अगर समाज के खिलाफ कोई जा रहा है तो। ये दुर्भाग्यजनक है कि संविधान में हमें मतदान करने का अधिकार दिया है और उसका उपयोग करना चाहिए। बीजेपी के नेताओं के लिए कुछ कहेंगे सर, जो प्रत्याशी है उनके लिए, कि क्या चुनौती है कांग्रेस के लिए? भारतीय जनता पार्टी कोई चुनौती नहीं है और ये इसी के राज में झलियामारी कांड हुआ था और एक बलात्कारी को इन्होंने कैंडिडेट बनाया है, तो जनता इसे कभी बर्दाश्त नहीं कर रही है। चलिए, तो हमारे साथ है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। आप भानु प्रतापपुर कांकेर। खबर भानुप्रतापपुर से है, जहां बता दें कि चरामा कृषि उपज मंडी में सीएम बघेल की सभा आयोजित की गई। कांग्रेस की सरकार ने आदिवासी हितों का ख्याल रखा है, सीएम बघेल ने यह बयान दिया और आगे उन्होंने भी कहा कि राज्य सरकार ने लघु वनोपज के दाम बढ़ाए हैं, हमारी सरकार ने हर वर्ग को आर्थिक रूप से मजबूत किया है। सीएम बघेल ने रमन सिंह पर निशाना साधा, कहा कि बिल्ली कुत्ता चूहा जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें जो करना है करे, हम किसान लोग हैं। आरक्षण का मुद्दा बीजेपी की देन है। 2 दिसंबर का दिन ऐतिहासिक रहेगा, रमन सरकार में छत्तीसगढ़ नक्सलगढ़ बन गया था। लेकिन हम छत्तीसगढ़ियन, छत्तीसगढ़ के गांव गली के रहियन, हम छत्तीसगढ़ के विकास के बात करतन। आज छत्तीसगढ़ के कोई भी व्यापार है, कोई भी धंधा करिया है, आज कांकेर में पहली कथका कन शोरूम से ट्रैक्टर के, कार के, जीप के, आज कथका कन है, तेल देख ले कथका कन। मोटरसाइकिल के शोरूम पहले रही से, आज कथका कन है। जब खरीददार रही तभी शोरूम खुली, आज आदिवासी कर किसान के जेब में पैसा जात है। तो ये काम हमन करें और यही बात के सपना हमार पुरखा मन देखेरी से। हमन तो लघु उनपर धान, कोदो, कुटकी, रागी, तेंदु पत्ता सब के समर्थन मूल्य घोषित करके खरीदी करा था और तो जन गोबर बेच के भी पैसा कमा सकते, ये छत्तीसगढ़ सरकार। तो आज बहुत ज्यादा वो बात न कहते हुए मैं अत्य कहना चाहता हूं, ये जिन आज ये मन आरक्षण के मुद्दा उठाए, एक मन के पापे हैं भारतीय जनता पार्टी वालों। ये तो रमन सिंह है, 3000 स्कूल बंद करा रही से, आदिवासी मतलब पढ़े से वंचित करे काम करत रही से, आज हमन सब स्कूल मतलब शुरू करें। बस्तर में 600 गांव उजाड़ दे रही से, वहां सब स्कूल मन के शुरुआत हमन करें, वहां पढ़ाई हो थे, नवा भर्ती करे काम करें, टीचर मन के भर्ती काम करें, तो रोजगार दे के भी काम हमारे मन के हो थे। वही पैक सबसे कम बेरोजगारी दर कहूं है तो हमारे छत्तीसगढ़। तो खबर कांकेर से सामने आ रही है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम पर सीएम बघेल का बड़ा आरोप देखने को मिला। वहां उन्होंने कहा कि सर्व आदिवासी समाज के नेता हैं अरविंद नेताम, बस्तर के हालत के लिए अरविंद नेताम जिम्मेदार हैं। अरविंद नेताम जीवन भर मलाई खाते रहे, बस्तर वासियों की उन्होंने सदा उपेक्षा की। मंत्री रहते नेताम ने कुछ नहीं किया, अगर किया होता तो बस्तर आग में नहीं जल रहा होता।
बस्तर में बस्तर बटालियन की भर्ती, बस्तर फाइटर्स की भर्ती, शिक्षकों की भर्ती एक बार नहीं दूसरे बार निकाले, सभी विभागों में भर्ती हम लोग कर रहे हैं। उसके समय में तो पेपर लीक हो जाता है, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार है, चाहे वो छत्तीसगढ़ में रही हो तब, चाहे मध्य प्रदेश में हो तब, चाहे उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, हिमाचल प्रदेश हो, सब जगह पेपर लीक जरूर होता है, लेकिन हमारे सरकार में इस प्रकार की एक भी घटना नहीं घटी है और लगातार भर्तियां हो रही है। भानुर प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी अकबर कोराम ने कहा है कि बीजेपी कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए इस बार आदिवासी समाज तैयार है। अकबर कोराम से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता वैभव शिव पांडे ने, सुनिए। भाजपा और कांग्रेस जैसे मजबूत दल के बीच में पहली बार देश में सर्व आदिवासी समाज ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया और भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी अकबर कोराम इस वक्त हमारे साथ है। कोराम साहब, 3 दिन शेष बचे हुए हैं, कितना कड़ा मुकाबला आप देख रहे हैं? हम लोग एक तरफा जीत रहे हैं, इसमें मुकाबले की बातें ही नहीं है। पूरा समाज, आरक्षित वर्ग के समाज, ST/ST OBC, अन्य जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो सब साथ दे रहे हैं, क्योंकि दोनों सरकार से ऊब चुके हैं लोग, इसलिए पूरे नाराजगी इस बार सभी वर्ग के लोग निकालने वाले हैं दोनों सरकार के ऊपर, ताकि चेत जाओ भविष्य में इस प्रकार से अन्याय करोगे समाज के साथ में तो आप ऐसी भुगतते रहोगे। देखिए, आपके सामने चुनौती जाहिर तौर पर यह है कि एक तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उनके प्रत्याशी मैदान में, दूसरी तरफ राज्य की सरकार है, उनके प्रत्याशी मैदान में है, उनमें भी दिवंगत मनोज मंडावी की जो पत्नी है सावित्री मंडावी, वो सहानुभूति लहर है और मोदी सरकार की उपलब्धि है, उन सब के बीच में आपके पास गिनाने के लिए तो कुछ होगा नहीं? दोनों सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है, उपलब्धि होती तो समाज के चुनाव लड़ने के लिए आना नहीं पड़ता। जहाँ तक मनोज मंडावी की बात, देहांत की बात, जो सहानुभूति वाली बात है, मनोज मंडावी जी ने हमारे समाज को एक अवसर दे के गए हैं कि आप, मैं जा रहा हूँ लेकिन मेरे जाने के साथ में आप लोग संगठित होइए और विजयी हो गए, एक नया रास्ता दिखाइए पूरे समाज को, प्रदेश को। देखिए, आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि आपकी जो भी उपज है, मतलब समाज की तरफ से आप मैदान में हैं, वो आरक्षण के मुद्दे पे आया है। सरकार उस आदिवासी आरक्षण को एक तरीके से वापस बहाल करने जा रही है कानून ला के, और विधानसभा का सत्र, स्पेशल सत्र भी आ रहा है, तो वो कल तो ख़त्म ही हो जाएगा एक तरीके से वो मुद्दा। ख़त्म नहीं होगा, सोरी साहब ने पेपर में स्टेटमेंट दिया था, कोराम बताएं कि आरक्षण देने का राज्य सरकार को पावर नहीं है, ये तो सिर्फ अनुशंसा करके राज्य सरकार भेजेगी ना केंद्र सरकार को। झारखंड सरकार ने 77% आरक्षण लागू करके अनुशंसा सहित केंद्र सरकार को भेजे, 5 महीना हो गया, आज तक नहीं हुआ है, तो ये तो अभी भेजेंगे तो कब होगा? तो इसलिए समाज को विश्वास नहीं है केंद्र सरकार में जाएगा, चूंकि राष्ट्रपति का मुहर लगेगा तभी हम मानेंगे, जब तक राष्ट्रपति का मुहर नहीं लगेगा तब तक तो आरक्षण बहाल होगा नहीं, तो ये कैसे कह रहे हैं कि मैं 2 तारीख को 3 तारीख को दे दूंगा? तो मनीष कुंजाम जी जो है वो कोराम जी के साथ है, और कोराम जी के साथ सर्व आदिवासी समाज है, लेकिन जनता जो है, जो यहाँ के 196,000 जो मतदाता है, वो किसके साथ है ये भी तय हो जाएगा 5 दिसंबर के बाद। कैमरामैन घनश्याम पटेल के साथ वैभव सिंह पांडे, News 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, भानु प्रतापपुर, कांकेर। तो भानु प्रतापपुर से इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जो हम बता दें कि ई सहित 7 सरकारी कर्मचारियों की शिकायत यहां पर की गई है। बीजेपी ने जिला निर्वाचन अधिकारी से यहां पर शिकायत की है, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार करने का उनके ऊपर आरोप लगाया गया है। 2 रेंजर देवलाल दुग्गा, मुकेश नेताम, 3 शिक्षक मनीष तिवारी, धर्मलाल कोरेठी, तो वही CO जनपद पंचायत चरामा महेंद्र कश्यप, ई लोक निर्माण विभाग की शिकायत यहां पर की गई है। उन्होंने कहा कि अधीनस्थाओं को कांग्रेस के पक्ष में यहां पर मतदान कर रहे हेतु तैयार है। तो फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। बता दें कि रायपुर में News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहाँ के संजय नगर इलाके में आप बता दें कि सरजू बांधा तालाब बच गया है, तालाब के अंदर जारी पाथवे का काम रुक गया है, तालाब के अंदर
पाटा गया, मलबा निकाला जा रहा है और इस बारे में स्मार्ट सिटी के एमडी मयंक चतुर्वेदी ने कहा कि तत्काल प्रभाव से काम को रोकते हुए डाले मलबा को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ है और न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सजगता के कारण आज एक तालाब जो है पटने से बच गया। अवैध कब्जाधारियों अवैध कब्जा करने से ये बच गया और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं ये तस्वीर, यहाँ पे मलबा पाटा गया था लेकिन न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इस खबर को उठाया ही नहीं बल्कि यहाँ अधिकारियों को संज्ञान में ये इसको लाया गया, जिसके बाद जो है ये कार्रवाई शुरू हुई है। ये तालाब जो पाटा गया था जिसको अब निकालने का दौर हो गया, मलबा जो पाटा गया था उसको मलबा को बाहर निकाला जा रहा है कि अब यहाँ पे जो है पाथवे का जो काम है उसको निरस्त कर दिया गया है। कुछ स्थानीय लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ मिलकर इस मुद्दा को उठाया है। क्या नाम है आपका? मेरा सानू रजा नाम है। यहाँ न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने जो खबर चलाया जो यहाँ कलेक्टर साहब को, निगम कमिश्नर को और स्मार्ट सिटी के डायरेक्टर को जो संज्ञान में इस मुद्दे को दिया, तो जो तालाब पट रहा था इसकी खबर से इस तालाब को पटने को निरस्त करके बाजू अब तालाब की सीमा से बाजू पार्थवे का निर्माण किया जा रहा है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का हम आभार व्यक्त करते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है कि मलबा यहाँ पे हटाया जा रहा है और लगातार यहाँ पे जो है कब्जे के दौर जो है जारी है। तो फिलहाल एक न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ है और जो तालाब है उसको पटने से बचा लिया है। कैमरामैन जग्गा के साथ सत्या राजपूत, न्यूज 24 रायपुर। अगली खबर बिलासपुर से लेंगे जहां बता दें कि भूख हड़ताल पर बैठे गांधी पर हमला किया गया है। बाइक सवार युवक ने हमला किया है, हड़ताल खत्म करने की चेतावनी दी गई है। हमले का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने निकल कर आया है। बता दें कि आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बंधा पारा शराब दुकान हटाने को लेकर यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बापू की वेशभूषा से बनी संजय सिंघानिया की पहचान सरकंडा थाना क्षेत्र के रहने वाले छोटू यादव के रूप में आरोपी की पहचान की गई है। ये भूख हड़ताल माननीय कलेक्टर महोदय जी के हाथों मुख्यमंत्री जी के पास आवेदन मैंने भेज दिया है। कलेक्टर महोदय जी को भी अवगत करा दिया है कि 1 तारीख तक के ये भट्टी यहाँ से नहीं हटाई जाती है। तो 2 तारीख सुबह 8 बजे सीएम साहब आएंगे, आए और मुझे मुख्य अग्नि दे, नहीं तो 11 बजे मैं खुद के हाथों अपनी चिता को आग लगाऊंगा। तो बिलासपुर के टिकरा पारा में नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ मुहिम के दौरान विवाद हो गया। कार्रवाई के दौरान निगम अमले पर कब्जाधारी परिवार ने हमला कर दिया। अतिक्रमण प्रभारी प्रमिल शर्मा और महिला पुलिस के साथ भी यहां पर धक्का मुक्की की गई। सड़क पर कब्जा कर मकान बनाने पर निगम की टीम कार्रवाई करने पहुंची थी। तो बिलासपुर के टिकरापारा में बता दें कि नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ मुहिम के दौरान यह विवाद देखने को मिला। यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कार्रवाई के दौरान देखिए किस तरह से निगम अमले पर यहां पर कब्जाधारी परिवार ने हमला कर दिया। अतिक्रमण प्रभारी प्रमिल शर्मा और महिला पुलिस के साथ यहां पर धक्का मुक्की की जा रही है। सड़क पर कब्जा कर मकान बनाने पर निगम की टीम ने यहां पर कार्रवाई करने के लिए यहां पर टीम पहुंची हुई थी। खबर रायपुर से है जहां झोलाछाप डॉक्टर की इलाज से मौत का मामला सामने निकल कर आया है। झोलाछाप डॉक्टर तपन दास ने 12वीं तक की ही पढ़ाई की है। नर्स और वार्ड बॉय मां बाप को देख सीखी डॉक्टरी। बता दें कि पुलिस ने आरोपी झोलाछाप डॉक्टर तपन दास को गिरफ्तार कर लिया है। 18 साल की युवती की गर्भपात के दौरान यहां पर उसकी मौत हो गई थी। मंदिर हसौद थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर रायपुर से जहां तनु कुर्रे हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। लव ट्रायंगल में युवती के प्रेमी ने ही उसकी हत्या की थी। 19 नवंबर को रायपुर आया था आरोपी सचिन अग्रवाल। तनु के मोबाइल पर युवक का कॉल आने पर विवाद हुआ था। बिलासपुर के युवक का फोन आने पर यह विवाद देखने को मिला। तो बता दें कि 24 नवंबर को तनु कुर्रे की
अधजली लाश यहां पर मिली थी। युवती की हत्या कर ओडिशा के जंगल में उसे फेंक दिया था, उसके शव को फेंक दिया था। कोलकाता भागने से पहले आरोपी को पुलिस ने यहां गिरफ्तार कर लिया। तो पुलिस ने आरोपी सचिन अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। परिजनों को गुमराह करता रहा था ये आरोपी सचिन अग्रवाल। तो फिलहाल मेरे साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।